आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। तो आज हम बना रहे हैं सैंडविच की हरी चटनी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और ये उतनी ही टेस्टी है। ये सैंडविच की परफेक्ट चटनी है और इसे आप 3 महीने अच्छे से स्टोर करके आप रख सकते हो, ये खराब नहीं होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 टेबल स्पून मूंगफली ली हुई है, भुनी हुई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो चना दाल आती है ना वो भी आप डाल सकते हो। इससे क्या है, एक तो हमारी चटनी थिक होगी और इसका टेस्ट भी बहुत दोगुना होगा। और इसमें हम 2 से 3 चम्मच ये हम बूंदी ली है। अब बूंदी अगर आपके पास नहीं है तो जो नमकीन सेव आता है ना वो आप डाल सकते हो। तो इसे हम डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी इसमें हम ठंडा डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच पानी डालना है जिससे हमारी बूंदी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो चटनी हमारी अच्छे से पिस जाएगी। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हो, उससे होगा क्या, आपकी चटनी का कलर खराब नहीं होगा। ये चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है, आप इसे ज़रूर बनाएं। ये हमने 7 से 8 हरी मिर्ची ली है, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक ली है, इसको डाल देंगे। धनिया में अगर आप डंठल है तो उसको ज़रूर रखें क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 बंच पूरा धनिया लिया है, इसको डाल देंगे। इसको 3 महीने तक आराम से आप स्टोर करके रख सकते हो, ये खराब नहीं होगी। अब इसमें हम डालेंगे अपना नमक, इसमें हम काला नमक थोड़ा सा डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें ये हम जो डेली यूज में नमक खाते हैं सफ़ेद नमक वो हम डालेंगे। और इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है। और नींबू से हमारी चटनी का एक तो रंग बिल्कुल वैसे ही रहता है हरा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसमें ये नींबू डाल देंगे। ये सैंडविच की परफेक्ट चटनी है। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 नींबू डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हो। आप सोच रहे होंगे इसमें हमने बीजे नहीं निकाले, मैंने इसके बीजे पहले ही निकाल दिए थे सीड्स। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने मिक्सी कर लिया है। वाओ, देखिए कितनी परफेक्ट चटनी बनी है हमारी। देखिए इसकी थिकनेस, देखिए बिल्कुल परफेक्ट चटनी हमारी बनी है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, आप इसमें इस तरह से क्यूब्स में जमा सकते हो, इस तरह की आइस ट्रे जो होती है ना घर में इसमें आप जमा सकते हो, या फिर आप छोटे छोटे कंटेनर में भी भर के रख सकते हो। जब आपको यूज करना हो तो वही कंटेनर आप निकाल लें और फिर रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें और उसे एंजॉय करें। अभी मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख के स्टोर कर सकते हो। इस तरह से कोई भी जार ले लें, इसको अच्छे से धो के धूप में सुखा लें, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब तो कर लीजिए। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी जो आपको दे रहे हैं ना, तो लाइक का बटन दबाएं और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है, कौन सी रेसिपी आपको चाहिए अच्छी लगती है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी वो रेसिपी आपके लिए लाऊं।